अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है जिंदगी वही सफर नया। मैं सलमा अजमल हाजिरा अजमल के साथ हमारे किचन में आपका वेलकम करते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड हमारे स्टाइल में। इसमें आप जो मनपसंद आपके जो भी फ्रूट्स हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो अवेलेबल है हम उसमें बनाने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाजिरा, यहाँ पे देखिये हमने दूध उबालने के लिए रख दिया है, अच्छा सा उबाल आ रहा है। चीनी ऐड करेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे। हाजिरा, हमने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून चीनी ऐड किया है हाजिरा। और यहाँ पे देखिए हमने 2 टेबलस्पून वनीला फ्लेवर वाला लिया है, यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का। दूध में हमने इसको घोल लिया है, लम्प फ्री बना लिया है। अभी हमने चीनी ऐड किया, जैसे ही फिर से एक उबाल आएगा हम ये स्लोली ऐड करेंगे। और सलमा, तब तक वो उबाल आता है मैं अपने व्यूवर्स को बता दूँ, ये जो हॉट पैड होममेड हॉट पैड है जो हमारी छोटी बहन ने बनाया है। कौन कमबख्त अपने इंटरनल्स को दाव पे लगा के ऐसे काम करता है मुझे तो नहीं पता। हाँ, हमने भी मस्ती की है लेकिन इस तरह की नहीं। एंड आई रिस्पेक्ट हर आर्ट वर्क व्हाटएवर शी डज, लेकिन इस टाइम पे नहीं करना था। इस बात का मुझे गुस्सा बहुत है, लेकिन बट शी लव टू लर्न न्यू थिंग्स लाइक काइंड ऑफ दिस आर्ट्स एंड ऑल DIY उसको बहुत ज्यादा पसंद है और काफी प्रिटी बनाई है। हाँ, उसमें कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। हाँ, उसने ना जो पुराने फटे कपड़े होते हैं ना उसमें से बनाया है इसको। और वो भी इंटरनल्स छोड़ के, वो बात मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है। नंबर्स देख के उसको डालूंगी अभी लाते। ओके, तो देखिए उबाल आ रहा है। अभी क्या करेंगे, इसको आराम से ऐड करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे ताकि लम्स ना बने। ओके, तो अब इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको हाई पे ही रखेंगे फ्लेम को। ओके, 2 मिनट आराम से पकाएंगे, 2 से 3 मिनट इसको। और कंटिन्यूस आपको चम्मच हिलाना पड़ेगा, स्पैचुला चम्मच जो भी है आपको हिलाना पड़ेगा ताकि लम्स ना बने। देखिए आज 2 मिनट हो गया है और हमारा कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है हमारा कस्टर्ड। तो अभी क्या करेंगे, चूल्हे को करेंगे बंद और इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। और इसको आपको कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ना है हाजिरा, एकदम रूम टेम्परेचर पे आना है इसको। तब तक हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमेनिंग सेब सब है उसको कट कर लेते हैं। आप फ्रूट्स दिखा लीजिए हाजिरा। आज हमारे पास ग्रीन अंगूर, ब्लैक अंगूर, पपीता और एक एप्पल, बस एक ही जाएगा सलमा। ओके, तो एक एप्पल हम लोग डालेंगे। और इसमें और क्या क्या अच्छा लगेगा सलमा, अनार डाल सकते हैं, माउस, कीवी, कुछ भी आपके पास। हाँ, जो भी मर्जी का फ्रूट हो आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ये अवेलेबल हैं। तो हम इसको सलमा सेब को कट कर लूँ। हाँ, एक मिनट थोड़ा ठंडा होने के बाद कट करेंगे क्योंकि माउस का सेब क्या होता है, काला हो जाता है। हाँ, इसके लिए एक सोल्यूशन भी है ना सलमा, विनेगर। स्वीट बना रहे हैं। ओके, ठीक है, तो स्वीट जब कर रहे हैं तो ना करें, जब हम टिफिन बॉक्स के लिए यूज करते हैं तो कर सकते हैं ना सलमा। यस, यहाँ पे एक आपको टिप मिल गई, जब भी आप अपने बॉक्स में सेब लेकर जाएं तो थोड़ा सा विनेगर या नींबू के छींटे तो डाल लें। ओके, तो सलमा ये 30 मिनट्स हो जाएगा ना आराम से, तो चलिए मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। ये यहाँ पे हम असेंबल करने के लिए तैयार, सलमा बताएं। हाँ, ये देखिए एकदम हमने चिल्ड फ्रिज में ही रख दिया था चिल्ड होने के लिए। okay. तो अच्छा खासा चिल्ड हो गया और गाढ़ा भी हुआ है। yes. और मैं यहाँ पे हाजिरा व्हिप क्रीम नहीं यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ मिल्क पाउडर थोड़ा ऐड कर रही हूँ ताकि इससे क्या होगा और हमारा जो ये है बैटर है अच्छे से फ्लेवर ज्यादा आएगा हम लोगों को। यस, और थिकनेस भी आएगी। हाँ, थिकनेस भी आएगी। अगर आपके पास व्हिप क्रीम है तो आप वो ऐड तो और ज्यादा मजा आएगा, वो बनाएंगे सलमा। ठीक है, व्हिप क्रीम लाके को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि लम्स फ्री हो जाए। और देखिए गाढ़ा, माशाल्लाह अच्छे से गाढ़ा, जैसे हमने व्हिप क्रीम ही ऐड किया हो वैसे हुआ है। तभी क्या करेंगे, हमारे सारे यहाँ पे देखिए एप्पल, हाजिरा ऑलरेडी बता दिया है हाजिरा ने, एप्पल, ग्रेप्स और यहाँ पे हमने पपीता लिया है। थोड़ा आलमंड्स गार्निशिंग के लिए भी रखेंगे और थोड़ा ऐड करेंगे और थोड़ी यस काजू सलमा। थोड़ी काजू ऐड करेंगे। ओके, आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से।
दिवाली स्पेशल भी बना के खा सकते हैं, है ना। देखिए आपको एकदम आप बाहर रेस्टोरेंट में ही खा रहे हैं वैसे लगेगा, एकदम थिक वाला। यस, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, आज मैं अनार को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि हाँ, कस्टर्ड अनार के बगैर अधूरा लगता है जी। यहाँ पे ब्लैक रेजिन का भी थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अनार तो नहीं, ये तो और ज़्यादा चार चांद लगाएगा। कोई नहीं, पर जो भी है आराम से बना लें, बस थिकनेस का ज़्यादा ख्याल, मुझे लगता है, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि वह थिकनेस होना चाहिए कस्टर्ड, मतलब अच्छा खासा, और विप क्रीम तो और ज़्यादा मज़ा देता है। सलमा वो भी बनाएगी, बहुत अच्छा बनाती है सलमा। ये भी थोड़े बीच बीच में आएंगे तो अच्छा लगेगा। यस, तो देखिए हो गया बनकर तैयार, ऊपर से थोड़ा। ओके, तो अभी इसको चिल के लिए रखना है सलमा? हाँ, रख सकते हैं, आप अभी भी खा सकते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको भी चिल कर लिया। आप ऐसे भी खा सकते हैं, यानी और थोड़ा चाहिए तो भी हाँ, थोड़ा करके बाद में खाएं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मैं और थोड़ा चिल करवा के सलमा से रिव्यू के लिए बैठती हूँ। बाय बाय। तो गाइस देखा आपने, हमें कैसे एक बेहतरीन सा कस्टर्ड हमने बना लिया है, और दिवाली के पटाखे जोरों शोरों में मतलब हो रहे हैं, आपको शायद आवाज़ें बैकग्राउंड में आ रही होंगी। तो जैसे मैंने कहा कि दिवाली स्पेशल भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और एक बेहतरीन सा जो है डिज़र्ट आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए मैं टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कि कैसा बना है। बिस्मिल्लाह, एकदम सलमान गड़बड़ खाते हैं ना हम लोग। हाँ, सेम, क्योंकि सलमा ने अच्छे से इसको चिल्ड कर दिया है। ठीक है, एंड वी प्रिफर चिल्ड स्टफ्स ओनली, है ना सलमा? हाँ। सलमा को इस केस में जो है जैसा वो होता है ना, छोटी बहन बन गया अभी लाओ लाओ लाओ, लेकिन नहीं सलमा नहीं, जब देना है तभी देगी। बहुत सेब अंगूर, मुझे कुछ कहना है नहीं क्योंकि कस्टर्ड हर एक को फेवरेट होता भी है। और सलमा जो ये जो हमने रेजिन्स डाले हैं ना, प्लीज इसको इस तरह के रेजिन्स जो है यूटिलाइज करें, बहुत बहुत आपका जो है क्या डिजर्ट में एक चार चांद लगा देता है ना सलमा। हाँ। वो चाहे आपका ड्राई फ्रूट्स हो गया या फिर कुछ इस तरह के कोई भी ड्राई फ्रूट्स, पर यूनिक कुछ डाल दे। जैसे अब मैंने कहा इसमें अनार नहीं था, है ना सलमा? हाँ। अनार नहीं था तो हमें, जब हमने ऑफकोर्स फ्रूट तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन रेजिन्स जो है एक रेजिन्स एंड ड्राई फ्रूट्स जो है एक अलग सा आपको, ड्राई फ्रूट में रेजिन भी आएगा, है ना सलमा? तो मतलब एक अलग ही आप उसमें एक तड़का मिल जाएगा डिजर्ट्स को, तो जरूर यूज करें और एक रिचनेस वाली जो है क्या बोलते हैं सलमा, रेसिपी को एंजॉय करें। मैं रेजिन्स बताती हूँ सलमा। देखें ये तो इतना सुपर टेस्ट, इतना सुपर टेस्ट ये रेजिन्स दे रहा है ना। माइंड ब्लोइंग। तो जान मैं भी कैमरे में बहुत ज्यादा नहीं खा पाऊंगी, ऑलरेडी मैंने खा लिया है ना सुनो। हाँ। क्योंकि बहुत ज्यादा चिल्ड है। तो जाएं, और अगर ये रेसिपी पसंद आए हो तो आप भी अगर ट्राई करना चाहें तो करें, क्योंकि हमें बस जब हम फेस टू फेस, जैसे लास्ट हमारे एक हम जैसे हमने कहा फैन मोमेंट, उस टाइम पे हमें पता चल रहा है कि हम आपकी रेसिपीज देख रहे हैं, बना रहे हैं। आई विश कि मुझे वो सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर मिल जाए तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। अगर आप कोई भी रेसिपी हमारी बनाते हैं
थ्रू हमारे वीडियो से यानी शेफ सलमा की रेसिपी को, तो प्लीज हमें जो है इंस्टा पे टैग कर दें। अगर आप इंस्टा पे हो तो प्लीज हमें वहां पे जो भी आप बनाएं उसका एक पिक्चर ले लें और हमें टैग कर दें जरूर। इसको बिना भूले टैग करें, उससे पहले हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो चलिए हम बेताब हैं इसको खत्म करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर सब्सक्राइब लाल है तो ही उस पर क्लिक करें, वरना बिल्कुल उसको टच नहीं करें। इसका मतलब आप सब्सक्राइब कर दिए हैं। और शेयर करें अपने आसपास पड़ोस दोस्त अहबाब हर एक के साथ इसको फैला दें। तो चलिए चलते हैं दुआओं में। याद रखें, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। फिर एक नई रेसिपी के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।